हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। सीकर जिले के फतेहपुर थाना के थानाधिकारी मुकेश कानुंगो और कांस्टेबल राम प्रकाश की गोली मारकर हत्या के मामले में अजय चौधरी व जगदीप धनखड़ को मुंबई से और रामपाल चौधरी को पुणे से पकड़ा गया। पुलिस मुख्यालय के पहली मंजिल स्थित सभागृह में प्रेस ब्रीफिंग। एसएचओ ने जब नया ज्वाइन किया और थोड़ी बहुत क्रिमिनल इंटेलिजेंस इकट्ठा की तो उसको मालूम चल गया कि इस तरह की कोई लूट की बड़ी वारदात हो सकती है या मनोज स्वामी पर अटैक हो सकता है। यह प्रिलिमिनरी सूचना थी। इस पर उन्होंने और कलेक्शन किया इंटेलिजेंस को पता चला कि ये जो बेसवा रोड है इस पर इनका काफ़ी आम रहता है रात के टाइम, तो उन्होंने इस और पुख्ता जानकारी लेने के हिसाब से तय किया था उस दिन कि अपने जो इंटेलिजेंस वाले जो स्पेशल वाले स्टाफ होते जाके उनका देखना भी और कोई अचानक कोई मिल जाए तो उनको पकड़ना भी। लगभग 11:30 बजे के आसपास वो लोग रवाना हुए थे। रास्ते में एक गाड़ी मिली स्विफ्ट, उसको चेक किया, धीरे अपना आराम से इलाका देखते हुए जा रहे थे। सामने से ये गाड़ी आई के हिसाब से इशारा किया। उनके पास जो गाड़ी थी अनफॉर्चुनेटली वो एक ऐसी गाड़ी थी महिंद्रा गेटवे जो मनोज स्वामी के पास थी। ये जब गिल के ऊपर घात लगाए बैठे थे गिल के गांव में, वहीं इनको सूचना आई कि एक फार्म हाउस से पार्टी करके वो जो मनोज स्वामी है वो रवाना हो गया। तो ये बहुत तेजी में मनोज स्वामी के लिए निकले थे और रास्ते में उन्होंने इशारा कर दिया तो इन्होंने समझा मनोज स्वामी है। और पुलिस वालों ने चेक करने के हिसाब से इनको इशारा किया था, फायरिंग कर दी। मनोज ने फायरिंग की, अजय ने फायरिंग कर दी। अजय के फायरिंग करते ही पुलिस ने जो दो लोगों के पास हथियार थे उन्होंने फायर किया। उसके बाद जो अभी तक के अनुसंधान से आया है कि धनखड़ और अजय इन उन्होंने लगातार फायर किया, उसमें एक गोली तो एसएचओ को लगी थी, एक गोली हमारे जो कांस्टेबल उसको लगी थी। सीकर से जागरूक टीवी की रिपोर्ट।